हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 28 अप्रैल 2019 है। आज आपको निफ्टी में पी की रेशियो कैसे निकालते हैं, पी रेशियो का क्या महत्व होता है और मार्केट कैप का क्या महत्व होता है, मार्केट कैप टू जीडीपी का क्या महत्व होता है और कैसे निकालते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, क्या होता है, थोड़ा मोड़ा उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप एक समरी के रूप में बता दूँ तो ये बफेट, मार्केट कैप टू जीडीपी, जो बफेट साहब ने ये रेशियो दिया था और इससे मार्केट का डिटरमिनेशन होता है कि मार्केट कितना अच्छा है कितना खराब है। एज पर बफेट साहब, मार्केट कैप अगर रेशियो जो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर बिलो 50% है तो सिग्निफिकेंट अंडर वैल्यूड होता है। ये 50 से 75 है तो मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड होता है और 75 से 90 का रेशियो है तो फेयरली वैल्यूड होता है और 90 से 115 हो तो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड होता है। मतलब क्या है कि अगर हमको, बफेट साहब तो यूएसए के हैं तो उनको इंडिया में अगर लगाना है, चाइना में लगाना है, कहीं और कंट्री में लगाना है तो कैसे डिटरमाइन करें कि किस कंट्री में हमको जाना चाहिए। तो मार्केट कैप जो होता है वो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो भी होता है उसका मार्केट में, जो कि आपको बीएससी के डाटा में देखने को पड़ेगा। अगर बीएससी में आप जाएंगे तो बीएससी में डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज 26 अप्रैल को क्लोजिंग देखेंगे यहाँ पे, तो 26 अप्रैल को टोटल ए बी जी जितने भी ग्रेड हैं सबकी मार्केट कैप जो है 153 ट्रिलियन की है या 153.08 लाख करोड़ की है। ये सारा डाटा जो है करोड़ में है और इसको लाख से डिवाइड करेंगे तो 153.08 लाख से आएगा। तो आज सारे आउटस्टैंडिंग शेयर की जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है, उस शेयर की जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी लिस्टिंग है इंडिया में उसकी मार्केट कैप हो गई 153 ट्रिलियंस। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी जो डाटा आता है वो प्रायः जो डाटा आता है वो आता है आपको आरबीआई पब्लिश करता है। इस तरह इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये पब्लिश किया हुआ है। अब इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखेंगे या इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं, इसको पब्लिश किया है और आपको जीडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस नेट इनकम, नेट नेट इनकम किया है एट ए करंट प्राइस, एट ए नॉशनल प्राइस। तो हम जब इसको कंसीडर करते हैं या आरबीआई की साइट में जाएंगे तो यहाँ से जब 2018 का डाटा उठाएंगे तो आपको यहाँ से आपको आएगा, यहाँ से सारे सेक्टर वाइज का डाटा उठाएंगे तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ से सारे सेक्टर वाइज कॉन्स्टेंट प्राइस और करंट प्राइस दो का वैल्यूएशन मिलता है। तो अपने को करंट प्राइस से वैल्यूएशन उठाना चाहिए। तो अगर टोटल करंट प्राइस से उठाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2018-19 का क्या है, वो 190.53539। ये किस पे है? ये जो भी डाटा है, ये जो आपको डाटा है वो बिलियंस में है तो अप्रोक्स आप समझ जाइए ये भी 190 ट्रिलियंस हो गया आपको या 190 लाख करोड़ हो गया आपको जो मार्केट की वैल्यूएशन आई। ये कब का है, ये डाटा कब तक का है? 2018-19। अभी क्या चल रहा है? 19-20, एक साल हम आगे हैं, अभी निकल चुके हैं। इस डाटा बैक डाटा है, ये हिस्टोरिकल डाटा होता है तो हिस्टोरिकल डाटा ऑलरेडी पास कर चुके हैं हम। तो 18-19 में देखेंगे और ये अभी रिवाइज हुआ है, आरबीआई ने कुछ बेस नॉम 11-12 से कुछ लेकर के चेंज किया है तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो स्टैटिकल डाटा में पूरा चेंजेस मिलेगा आपको। ओल्ड डाटा जो था वो अभी आपको शायद टैली नहीं करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप यही डाटा को देखें तो यहाँ पे जब SBI ने 190 ट्रिलियंस बता रहा है और यहीं पे अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा जब देखेंगे तो ये 188 बता रहा है, मीन्स थोड़ा सा तो अंतर तो आ ही गया है। और पुराने डाटा का बेस देखेंगे तो और भी हो सकता है कि आपको कम आ जाए। वहीं पर भी जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ऑलरेडी यहाँ प्रेडिक्शन भी दिया हुआ कि 18 का क्या रहेगा, 19 का क्या रहेगा, 20 का। ये GDP बिलियंस में है और डॉलर में है तो ऑलरेडी उन्होंने प्रेडिक्शन भी दिया है और उस प्रेडिक्शन को माने तो आगे जाकर के हमारा जो है लगभग 207.04 लाख करोड़ या 207 ट्रिलियंस होना चाहिए। मैंने वो नहीं किया, मैंने आज का मार्केट कैप उठा लिया जो कि बीएससी में आपको 153 ट्रिलियंस मिला और मैंने लास्ट ईयर से 7.5% का इसका एडिशन कर दिया। 7.5% इकोनॉमी का ग्रोथ बताया गया है तो यहां से 7.5% हमने अपसाइड ले लिया तो यहां 204 आया। आप 204 लीजिए, चाहे आप यहां पे 207 बता रहा है तो आप 207 लीजिए। 70 का प्राइस डॉलर का मैंने पकड़ा है तो 207 लीजिए, मैं 204 पे ही बताता हूं। तो
तो अपनी जो वैल्यूएशन आ रही है इंडिया की, जो मार्केट कैप तो ये रहा, और उसके सामने जो जीडीपी रहा, तो अपनी जो वैल्यूएशन आ रही है इंडिया की अभी जो है, आज का वैल्यूएशन, आज 26 अप्रैल 2019 का जो वैल्यूएशन आ रहा है, एज ए टेंटेटिव आ रहा है 74, में बिलो 75 आ रहा है। तो अगर बिलो 75 आता है तो क्या होता है, 75 to 90 फेयरली वैल्यूड, और एकदम ये बॉटम पे है, 75 से अंडर वैल्यूड में चला जाएगा, ये मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड में आप समझिए अभी, क्योंकि 75 की बिगनिंग है, 90 तक ये जाता है तो फेयरली वैल्यूड है। मीन्स जस्ट इंडिया की जो इकोनॉमी अभी दिखा रही है एज पर अर्निंग, और जो प्रडिक्शन किया जा रहा है आगे कमिंग डेज के लिए, यहाँ पे फेयरली वैल्यूड है। और आप देखेंगे तो अदर इकोनॉमी जो है, आप अदर इकोनॉमी को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कमेंट्स भी है, यहाँ पे बफेट साहब ने कमेंट भी दिया हुआ है कि द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो लार्जली नोन एज बफेट इंडिकेटर। बफेट ने ही ये इंडिकेटर दिया था, कैसे इसको किसी भी अगर इकोनॉमी में अगर इंडिकेशन जज करना कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इसलिए बफेट इंडिकेटर बोलते हैं। नाउ स्टैंड 80% अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 78%। इनका ये कहना है कि एवरेज जो पूरे साल का है वो जो है 78% है, तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज देखूँ तो ये 77% निकल रहा है, 78 उन्होंने बोला भी है, तो 77% और 78% है, और उसके जगह पे नाउ स्टैंड है 80%। अगर आप उसको बोलते हैं कि 80% पे स्टैंड कर रहा है, जो हमारा डाटा से निकल रहा है, अगर मैं इसको ग्रोथ लेता हूँ 7.5% का, तो 74 ही निकलता है। हाँ, 2018-19 का 80% पे स्टैंड करता है, बराबर, वो 2018-19 का स्टैंड कर रहे थे, तो वो अभी करंट का नहीं बता रहे थे, क्योंकि ये जो न्यूज है अब जनवरी का न्यूज था, तो 80% पे अपना स्टैंड करता है। अगर इसको मैं सिंगल डिजिट में ले लूँ तो आपको ये 79 में हो रहा है, तो 80% पे ये हो रहा है 80 के आसपास, लेकिन इकोनॉमी में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी उसके अनुसार ये 75 हो जाएगा आज के डेट में। तो 80% अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 70, लॉन्ग टर्म आपका 78% है। दिस इज मच बेटर देन 113% ऑफ यूएस एंड 82% ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एवरेज देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका मानना है 82 है, और यूएसए का कितना है, 113 है। तो इस अर्निंग से, और यहां पे देखिए इन्होंने आगे क्या लिखा, विथ अर्निंग इंप्रूविंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दिस इंडिकेटर में ड्रॉप टू 75 लेवल विच में मेक डोमेस्टिक इक्विटी अट्रैक्टिव। तो मैंने आपको क्या किया, 75 भी बताया यहाँ पे, कि अगर ये ग्रोथ हो जाएगा 7.5% का ग्रोथ, तो यहाँ से आपको 75 आपको हो जाएगा अपना, तो अपनी जो है ब्लू चिप कंपनियां का जो वैल्यूएशन आएगा, जो ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वही ग्रोथ दिखाएगी, उन्हीं का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा उनका तो जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा तो उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मिड कैप लार्ज कैप में आगे जा करके जस्ट ये आपका कहां पे है, सिर्फ फेयरली वैल्यूड में आता है। तो ये एक थोड़ा सा नॉलेज था मार्केट कैप। कुछ लोग चाहते हैं पी रेशियो पे भी डिस्कशन करते हैं, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग क्या है, तो प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखने जाएं 2019 की मार्च की जो अप्रैल की जो भी चल रही है 29 चल रही है, 26 अप्रैल को जो क्लोजिंग दिया यहां पे 29 का आपको बता रहा है, तो मीन्स जो प्राइस है 29 रुपीज मांग रहा है एक रुपया अर्निंग के सामने, सिंपल सा बताओ, एक रुपया अर्न करना है तो 29 रुपीज मांग रहा है। एवरेज अगर इसको निकालने जाएंगे आप, तो एवरेज इसका जो निकलता है यहाँ से आप 16 से 17 रुपये का एवरेज आता है, तो बीस यहाँ पे भी अगर बाइफर्केशन करें तो बिलो 15 चला जाएगा ये अंडर वैल्यूड में, 15 to 17 आप मॉडेस्टली या फेयरली वैल्यूड कर देंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आप इसको इसी के भाषा में लिखें तो बिलो 12 जो चला जाएगा वो आपको सिग्निफिकेंट अंडर वैल्यूड, 12 to 15 चलाएगा मॉडेस्टली में, 15 to 20 चला जाएगा फेयरली वैल्यूड में, अबव देन 20 शायद आपका मॉडेस्टली वैल्यू या फेयरली वैल्यूड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 29 दिख रहा है वो अभी अर्निंग को यहाँ पे उसने टारगेट नहीं लिया है, तो जब अर्निंग इनकी बढ़ती हुई दिखेगी, अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस उसकी कम रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो उसकी वैल्यू है ये 29 घट के वापस आपको बिलो 20 आ जाएगी। अगर इसको चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे पहले जो यहाँ पे था इस पीरियड में था 10-14 नवंबर को 25, सबसे पहले हाई कहाँ लगाया इसने, 9 जनवरी 2008 को इसने 28 का पी बनाया, जहां से मार्केट क्रैश किया था। तो क्या ये वापस क्रैश कर जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे 28 का था तो अभी तो 29 का चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मार्केट में फॉल आएगी, दिख सकता है, क्योंकि ये इसको भी क्रॉस कर चुका है, तो कहाँ तक क्रॉस करता है वो जरूरी है देखना, लेकिन करेक्शन यहाँ पे होगा। कितना तक हो सकता है, तो एवरेज आपका जो 20-22 का चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है 20-22 यहाँ तक तो आपको करेक्शन देखने को मिले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20-22 तक, 20-22 के पी रेशियो तक अगर ये आता है तो आ सकता है बहुत, और वहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। तो एज ए पी रेशियो से देखें तो आप देखेंगे हेवी डीप रेड में बता रहा है, मीन्स जो निफ्टी है, ये निफ्टी 50 की बात हो रही है, सिर्फ निफ्टी 50 की, ओवर वैल्यूड पोजिशन में कहीं ना कहीं ये बता रहा है। अगर मैं इसको प्राइस टू बुक वैल्यू की बात, प्राइस टू बुक वैल्यू भी निफ्टी की बात करें, ये 3.72 बता रहा है, यहाँ पे हाई रेट नहीं बता रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू के सामने जो है इसकी जो प्राइस है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो बहुत कम है। जब तक ये 6.23, 6.66 ऐसा नहीं जाता है, तब तक ये बहुत खराब नहीं कहलाता है। तो एज ए बुक वैल्यू तो ये अट्रैक्टिव दिख रहा है, अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा वो खराब दिख रहा है। अगर यहाँ पे एक बात रिटर्न की बात करें, तो एवरेज अगर निफ्टी की बात करें, तो अभी अप्रैल, अभी लास्ट आपको कब दिया है, मार्च क्वार्टर में, मार्च में कितना रिटर्न दिया आपको, 7.47%। पहले जनवरी में कितना मिला आपको, जनवरी में 0.23, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे हुआ, 10,809 पे, उसके बाद क्लोज हुआ 10,834 पे, ये हुआ फरवरी में। मार्च में क्लोज हुआ 11,317 पे, और इसके बाद क्लोज हुआ 11,662 पे, अभी अप्रैल में, अप्रैल चल ही रहा है 11,662 की क्लोजिंग के साथ। तो ये कहीं ना कहीं अब देखेंगे हाईएस्ट जो यहाँ 26% रिटर्न दिया हुआ 2009 में, ये देखेंगे तो 3,958 उस समय बना था ये मई 2009, तो 26% तक का रिटर्न हाई देता है, लेकिन एवरेज जब भी ये 26 देता है तो उसके बाद देखिएगा ईयर में थोड़ा सा डिप्रिसिएशन जरूर चालू हो जाता है। एवरेज देखें तो 2 से 3% का रिटर्न अगर जब देता है ये, तो ये नॉर्मल में लगभग रहता है, और अगर ये 18% फॉल करता है तो हैवी हो जाता है, 26% 14% होता है तो हैवी हो जाता है रिटर्न देता है, तो उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक फॉल का पैटर्न भी बनता है। अब 7% के बाद एक न्यूट्रल रिटर्न यहाँ पे देने का अप्रैल में चांसेस है कि आपको देखते हुए दिखे ये न्यूट्रल रिटर्न के साथ। तो देखिए ये सारा एक खाली एक डाटा था, इंडिकेशन था, आपको बताना था कि कैसे ये चलता है। यहाँ पे जो रेट दिख रहे हैं ये हैवी पीरियड है, ये 2008 में आप देखेंगे, जनवरी 2008 में 16% का निगेटिव रिटर्न दिया था, 5,739 पे क्लोजिंग दिया था, 2011 पे 10% का निगेटिव रिटर्न दिया था। अब रिसेंटली देखें तो रिसेंटली यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला था 2011 में, 5,004 पे आके क्लोजिंग दी थी 9.5% के रिटर्न के साथ, निगेटिव रिटर्न के साथ। उसके बाद कहीं पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला, मीन्स जो 2008 में 16%, 18%, 10%, 28% का जो फॉल दिखा था, 3,228 तक चला गया था 2008 में, उसके बाद वैसा कोई हुआ नहीं। और 2008 के उस फॉल के बाद 2009 में यहाँ 26% का गेन भी हुआ है, तो इस फॉल को सारा का सारा यहाँ रिकवरी भी होते हुए दिख रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे 2009 में रिकवरी हो गया था। अगर फॉल करता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रखना चाहिए, ऐसा दिखता है इस डाटा से। आप भी जाइए इस चार्ट को धीरे से बैठ के धीरे धीरे करके एनालिसिस कीजिए, किस महीने में क्या गया था, कैसा गया था। 2018 देखें तो 4% रिटर्न, -4%, फिर 3% रिटर्न निगेटिव, फिर 6% पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल रहा, फिर न्यूट्रल रहा, फिर 5% का रिटर्न, फिर 2% का रिटर्न, फिर 6% का निगेटिव रिटर्न, 4% का निगेटिव रिटर्न, फिर 4% का पॉजिटिव, फिर नहीं, जीरो रिटर्न। इस साल में भी देखेंगे तो को खाली मार्च में 7% का रिटर्न दिया है, अभी न्यूट्रल चल रहा है आगे। तो स्कोप जो है अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पी रेशियो थोड़ा सा अपने को डराता है, तो डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको जो मार्केट कैप का ये रेशियो बता रहा था, अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे हम कहाँ, इसका लो कितना था। अगर सब में लो देखेंगे तो 2004-05 में सबसे ज़्यादा लो था 53 का था, ये मैं आपको बता रहा हूँ नए डाटा के अनुसार है, जो मुझे यहाँ से मिला, जो आरबीआई की साइट से मुझे यहाँ से डाटा मैंने उठाया है, ये आरबीआई का साइट है और मैंने इस डाटा को करंट प्राइस को बेस बनाया है। अब ये डाटा अपडेट है, न्यू अपडेट है, अब इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कहीं की, क्योंकि पुराने चार्ट से हो सकता है ये चार्ट आपको काम नहीं करे, क्योंकि पुराने चार्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं 2007-08 में 150% बता रहा था, 140%, 147% बता रहा था, बट न्यू डाटा के अनुसार ये 105% बता रहा है,
कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डाटा में क्या हेर फेर हुआ है या चेंजेज हुआ है या बेस ईयर चेंज किया गया है उसके कारण ये रेशियो हो सकता है आपको। ये करंट बेस डाटा बेस पे हमने रेशियो बनाया हुआ है, पूरा डाटा जो लिया हुआ है आज के जो करंट स्टैटिकल डाटा है उस बेस पे, जो अपडेटेड 2011-12 को बेस बना के लिया गया है उस बेस पे ये डाटा है। तो इसमें भी लोवेस्ट देखेंगे तो 53 है। इनफैक्ट अगर पुराने बेस डाटा को भी देखेंगे और पुराने चार्ट को भी देखेंगे, तो मैंने यहाँ आपके लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर पुराने चार्ट को भी देखेंगे और पुराने डाटा को भी देखेंगे तो यहाँ पुराने डाटा बेस पे भी लोएस्ट जो था 45 था, हाईएस्ट जो था 147 था, और अभी जो बता रहा था 2017 में 94% के आसपास बता रहा था। तो ये स्टैटिकल डाटा भी चेंज हो चुका है। और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कैसे निकालते हैं ये एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको भी जा करके व्यू में रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मार्केट कैप टू जीडीपी किसको कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, और एक करंट डाटाबेस पे ये मैंने निकाल के आपके लिए रखा हुआ रेशियो, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और हाईएस्ट यहाँ किस डाटाबेस पे 105 है, जबकि यही डाटाबेस को पुराने डाटाबेस पे देखें तो यहाँ पे 147 बता रहा है। तो जो भी कहीं यहाँ पे हाई 147 है, मतलब इसका ये कहना है जी जब 45 रहता है 53 रहता है अंडर वैल्यू रहता है तो यहाँ से उठता है, जब 147 जाता है तो वहाँ से नीचे जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 94 बता रहा था 2017 में, लेकिन अगर हम देखें तो आज के डाटाबेस पे 2017 को देखें तो 83 बता रहा है, जबकि पहले 94 बता रहा था। तो उस बेस पे चले कोई बात नहीं, 84 अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे 2017 का 94 बता रहा है और हमारे डाटाबेस पे इसको 83 बता रहा है, इतना ही चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है डाटा में, वो पुराने डाटा मेरे पास है नहीं। और ये 75 जो है अभी आगे के लिए आज की वैल्यू, मैं आज 26 अप्रैल 2019 की वैल्यू जो बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड है वो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ग्रोथ लिया है और इससे ज़्यादा ग्रोथ इन्फैक्ट अगर दे रहे हैं, 207 का ग्रोथ दे रहे हैं। इन्फैक्ट जो IMF IMF जो दे रहा है 207 दे रहा है, तो उसके अनुसार तो 74% ही होता रेशियो। तो ये एक सिंपल सा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पे था और बफेट रेशियो पे था, कि बफेट रेशियो, इसको बफेट का नाम दिया हो गया है। और कहीं ना कहीं निफ्टी पी पे आप देखेंगे तो यहाँ 29 PE है, थोड़ा सा ह्रास लग रहा है, लग रहा भारी लग रहा है। और इसको निकाला कैसे जाता है, तो आप प्रोडक्ट में जाएंगे, निफ्टी NSE.com पे जाएंगे, वहाँ पे इंडिसेस पे जाएंगे, आप भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे पी बी रेशियो है, सर्च में जाएंगे और यहाँ निफ्टी पे रेशियो दे करके आप जिस डेट का डाल देंगे यहाँ पे 1/1/19 से डाल दीजिए आप, यहाँ पे 3 महीने का आपको देखना है, 31/3/19 का निकाल लीजिए, पी रेशियो पिक लीजिए, जो जो लेना आप ले लीजिए। तो यहाँ आपको डेली बेसिस पे भी यहाँ से डाटा आपको निकलते हुए आपको दिखेगा, 1 जनवरी से लेकर के आपको लास्ट 29 तारीख को देखेंगे तो 29.01 है, यही 29.01 यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट, 29.11 बता रहा है यहाँ पे, तो ये एवरेज किया होगा इसके लिए यहाँ 29.11 बता रहा है। और यही दोनों NSE का ही डाटा, वो भी NSE का ही, ये भी NSE का ही है, तो एवरेज करके है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा NSE BSE पे जाकर के आपको डाटा एनालिसिस करेंगे। अल्टीमेटली इसका ये व्यू था कि जो है भले आपको निफ्टी के पी रेशियो से ज़्यादा दिख रहा होगा, बट मार्केट कैप के अनुसार, टू GDP के अनुसार देखें तो बहुत ही कम है, 75 है, जहाँ से मार्केट को ऊपर 90 तक तो आराम से जा सकता है, और 100 बिलो है तो आप अभी जानते हैं कि फेयरली वैल्यूड है 75 to 90। आपको बताया यहाँ पे कि 75 to 90 जो है फेयरली वैल्यूड है, यहाँ तक तो जम जाने का पूरा दम रखता ही रखता है और जाना भी चाहिए। इसी पे एजुकेशन पर्पज से था मेरा, इस पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि इस पे अगर इस डिसीजन से आप कोई भी डिसीजन बने, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।